ফলে ডিগবল কংগ্রেসৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় ছত্তীশগড়ৰ বিধায়ক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ নেতাগৰাকী আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় বিজেপিক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে জগৰীয়া কৰে শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনক। ডিগবল পৌৰসভাখন কংগ্ৰেছে দখল কৰিব বুলি দাবী কৰে নেতাগৰাকীয়ে। 8 নং ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত সভাখনত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार से एक वातावरण बना हुआ है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, उसको लेकर जिस प्रकार से महंगाई की बात करें आप, भ्रष्टाचार की बात करें, जिस प्रकार से पूरे देश को अस्त व्यस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, उन स्टेटों की स्थिति आप जाके देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने जनता नहीं दे रही है। हम सब लोग बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर जनता के घर घर जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं ताकि इस नगर पालिका चुनाव में अच्छे प्रत्याशी और अच्छी पार्टी के लोग चुनाव जीत सकें।